हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो एंड टुडे आई एम हियर विथ ए न्यू सक्सेस स्टोरी। एंड हर एक सक्सेस स्टोरी में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, एंड डेफिनेटली इस सक्सेस स्टोरी में भी है। एंड आज मैं मेरे साथ है सीएमए अनमोल पवन चौबे जी। एंड अनमोल जी करेंटली प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इन्होंने 2019 में क्वालिफाई किया था सीएमए। एंड क्वालिफाई करते ही इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट थी। इनफैक्ट इन्होंने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखा था एंड उन्होंने प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। अपार्ट फ्रॉम दिस ही इज ऑल्सो डूइंग टीचिंग। सो ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए। सो हाय अनमोल जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्विटेशन। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया और आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए मुझको इनवाइट किया। थैंक यू वेरी वेरी मच सो अनमोल जी, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर। मैं प्रॉपर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भिलाई छत्तीसगढ़। शुरुआत से यहीं से हूँ और यहीं से मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई और यहीं से मैं सीएमए बना। और प्रैक्टिस पे आप वहीं पे कर रहे हैं? हाँ सर, प्रैक्टिस भी मैं यहीं पे कर रहा हूँ। काफी सारे लोगों ने शुरुआत से कहा कि सीएमए यहाँ से नहीं हो पाएगा, आपको पुणे जाना पड़ेगा, आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझको यहीं से ही करना है और मुझको करके दिखाना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है। सो आई एम डूइंग दैट। या ग्रेट ग्रेट, मतलब ये एक मतलब काफी अच्छी बात होती है जब आप अपने घर से, अपने होम टाउन से आप अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हो, वहीं पे अपना बिजनेस सेटअप करते हो। हर कोई नहीं कर पाता है, ये बहुत कम लोग ऐसे जो कर पाते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन, मैं खुद यही सोचता हूँ कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो बेटर कर पाऊंगा, यहाँ नहीं कर पाऊंगा। तो ये थॉट काफी अच्छा है आपका, काफी यूनिक है। एग्जैक्टली सर, काफी सारे लोग यही बोलते हैं कि बाहर से यहाँ क्या रखा है, ये छोटा टाउन है, स्मॉल टाउन है, गो टू बॉम्बे, गो टू दिल्ली, यू कैन डू दैट बेटर देयर। लेकिन अपना क्रीम अपने ही सिटी में रहता है सर, और यहाँ से ज्यादा अपनापन कहाँ, और अपने लोगों को छोड़कर, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर के बाहर जाके करना, आई डोंट थिंक सो वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। बट बहुत लोग उसपे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो आई डोंट वांट टू कमेंट, नो बट नो, मुझको राइट यहां राइट से राइट। करना चाहिए। तो आप ये बताइए, आपने सीएमए कब स्टार्ट किया था? तो सीएमए मैंने स्टार्ट किया था 2016 एंड से स्टार्ट किया था, और 2019 23 अगस्त 2019 को आई बिकम सीएमए, नाम के आगे प्रिफिक्स छोड़ा, जो कि एक ड्रीम भी रहा था मेरा शुरुआत से। राइट राइट ऐसे तो मुझको करना तो कुछ और था, यूपीएससी की इच्छा थी शुरुआत से पापा को कि बेटा कलेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। बट चलते चलते कुछ और रास्ता निकला और उसके बाद फिर कॉस्ट अकाउंटिंग फील्ड में, एंड नाउ सीएमए सो अनमोल पवन सो चौबे। हु सजेस्ट यू टू डू सीएमए? सर एक्चुअली यूपीएससी का जैसे मैंने कहा, उसके बाद फिर सीए करने की भी बात हुई थी। उस टाइम ज्यादा जानते नहीं थे कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में, राइट बट राइट एक मेरे मेंटर थे, मैं उनका फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि उन्होंने मुझको बताया कि सीएमए ऐसा होता है, और उन्होंने काफी दिनों तक गाइड भी किया, मेंटोर रहे हैं, और मेरे यहाँ तक पहुंचने में उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है। रहा है। जी तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया सीएमए करने का। तो आफ्टर व्हेन ही सजेस्टेड यू टू डू सीएमए, देन यू हैव डन सम रिसर्च अबाउट सीएमए और यू जस्ट ज्वाइंड? नो, आई आई डिड रिसर्च क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ तक जा सकता हूँ, बट मोस्टली मैं उनसे ही काफी पूछा करता था और वो सारा जवाब देते थे। उसके बाद फिर इससे अच्छा ऑप्शन कुछ लगा नहीं, लगा कि पहले एक स्टैंड ले लिया जाए और उसके बाद फिर विल सी यूपीएससी एंड अदर थिंग्स। सो आपने सीएमए मतलब 12th के बाद स्टार्ट किया था या आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? नहीं सर, ना 12th के बाद ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने मिड में किया, सेकेंड ईयर के ईयर का मेरा एग्जाम होने वाला था, उसके पहले मैंने किया। थोड़ा सा इधर उधर था कि 12th के बाद जनरली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं उसमें ही थोड़ा सा था, असमंजस में था। पापा मुझको लेकर के बहुत सारे कलेक्टर कमिश्नर के पास ले जाया करते थे, यूपीएससी करना है सॉर्ट ऑफ, एंड देयर आफ्टर आई जॉइंड सीएमए, बट सेकेंड ईयर के एंड में। ओके ओके। सो मतलब जब आप सीएमए में आए तो क्या आपको टफ लगा? आपके अटेम्प्ट्स कितने लगे? आप थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए, आपका इंटरमीडिएट तक का जर्नी कैसा था?
सर फाउंडेशन तो एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, जो कि काफी ज्यादा टफ लग रहा था, और उस टाइम 2012 सिलेबस चल रहा था, तो राइट इंटरमीडिएट के एग्जाम को मैंने शायद 2012 सिलेबस का लिखा है, 2016 सिलेबस उस टाइम ही इंट्रोड्यूस हुआ था। और इंटरमीडिएट में सर मेरा जो ग्रुप 1 था उसमें मुझको एक अटेम्प्ट लगा, मतलब एक अटेम्प्ट के बाद मैंने वो क्लियर कर पाया। फिर ग्रुप 2 तो एक बार में ही क्लियर हो गया, वहां से काफी ज्यादा टफ लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फाइनल में आया और वहां से पूरी सेल्फ स्टडी की जब बात आई, तो राइट वहां से फिर मैंने थर्ड ग्रुप उठाया, और थर्ड ग्रुप में भी एक अटेम्प्ट लगा, तो 2 बार एक एक अटेम्प्ट लगा है। एंड बाकी तो फिर हो गया जैसे तैसे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिन लोग 3 4 सालों से 5 सालों से वो फाइनल के ग्रुप में ही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगाए जा रहे थे, वो लोग थोड़ा डीमोटिवेट कर दिया करते थे, बट सम हाउ आई कुड मैनेज, या और फिर ग्रेट उसके बाद ग्रेट हो गया। सो आपने जो अपनी ट्रेनिंग की थी, आपने फॉर्म से ट्रेनिंग की थी, तो उस समय हमारे टाइम में 6 मंथ की ट्रेनिंग थी, राइट? सो अभी तो 15 मंथ की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा सा आप ये बताओ कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज बहुत कम बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो इससे थोड़ा सा अवेयरनेस होगा बच्चों में. करेक्ट करेक्ट सर, ट्रेनिंग काफी सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करने से भागते हैं, उनको लगता है कि अटेम्प्ट्स और बढ़ जाएंगे और ट्रेनिंग ना करें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट्स आपको इंटरव्यू में जब बैठता है कोई स्टूडेंट उस टाइम से ही समझ में आ जाता है। वहां पे सबसे पहला सवाल यही किया जाता है कि आप ट्रेनिंग में क्या करके आए हैं, क्या सीख करके आए हैं, और यदि बच्चा थोड़ा गोलमोल जवाब देता है तो उनको रियलाइज हो जाता है कि यू आर अ डमी सर्टिफिकेट कैंडिडेट। ट्रेनिंग करने के बाद का जब फाइनल एग्जाम हम लिखते हैं ग्रुप 3 और ग्रुप 4, तो उस समय हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लिखते हैं अपने साथ में जो हुआ है। जैसे डायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से आपने ITR पूरा सीखा, इनकम टैक्स पूरा सीखा, आप फिर वो वैसे एग्जाम्पल्स वहां पे पुट करते हैं, और जो जो चेक करता है उसको समझ में वहीं पे आ जाता है कि बाकी लोगों से ये बच्चा कैसे अलग है। एज वेल एज आगे चल करके यदि फर्म सेटअप करनी हो या तो फिर बड़े इंटरव्यूज क्रैक करनी हो बड़े कंपनी की, तो वहां पर के लिए तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है कि ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, और यदि वो नहीं रहता तो काफी लोग अच्छे पैकेज में जाते जाते रुक जाते हैं, यदि जॉब के एस्पेक्ट से मैं बोलूं तो, और यदि फर्म खुद का प्रैक्टिस करने के एस्पेक्ट से बोलूं तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आपने जब फाइनल क्वालिफाई किया आफ्टर इट, आप ऑलरेडी आप प्रैक्टिस आपने पहले से स्टार्ट कर रखी थी, सो आपका मैंने देखा है 2016 से आप टीचिंग भी कर रहे थे, आपने फिर प्रैक्टिस भी स्टार्ट की, फिर आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो आप चीजों को किस तरीके से आप मैनेज कर रहे थे? मैनेज करना सर उस टाइम तो और थोड़ी गर्मजोशी थी कि कैसे भी करके कर लेंगे, थोड़ी मल्टीटास्किंग करके देखते हैं। रिच डैड पुअर डैड में भी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि सारी चीजें थोड़ी 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 भी की जाए तो भी अच्छा रहता है, काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो 2016 से बस चलते चलते एक शौक के तौर पर टीचिंग लाइन में आए, कोचिंग स्टार्ट किया बिना सर पैर के, पढ़ाना अच्छा लगता था। फिर वहां से जब एग्जाम होते थे तो 1 8 महीने पहले ही मैं पूरी तरीके से वहां से छुट्टी लेकर के आता था, और फैकल्टीज तो अभी भी मैनेज कर रहे हैं, उस टाइम भी ज्यादा मैनेज करते थे। एग्जाम के 1 8 महीने पहले ही मैं पूरी तरीके से पूरा चीज छोड़ के मैं करता था, अदरवाइज 4 5 महीने तो पूरे कोर्सेस में कंप्लीट किया ही करता था, और उसके बाद फिर एग्जाम दे करके, और उसके बाद फिर अब टीचिंग और प्रैक्टिस है। तो टीचिंग का तो काम अभी मेरा ऐसा है कि सुबह 7 से 11:30 तक का मैं क्लास ले लेता हूँ, और उसके बाद आफ्टर दैट ऑफिस आवर्स में फिर मेरे प्रैक्टिस का काम शुरू हो जाता है, और शाम को कुछ लगा तो फिर मैंने क्लास ले लिया, बड़ी क्लासेस ही लेता हूँ। बाकी फैकल्टीज काफी ज्यादा क्वालिफाइड हैं और एक्सपर्टीज हैं उनको अपने फील्ड में, तो फैकल्टीज मैनेज करते हैं अभी। ओके ओके सो आप कौन कौन से सब्जेक्ट अभी आप पढ़ाते हो अपने इंस्टीट्यूट में? सर मैं मेनली तो इनकम टैक्स और GST ही लेता हूँ, क्योंकि वो देता मेरा एरिया है, फील्ड है। ओके ओके सो मतलब आप छत्तीसगढ़ में आपके कंप्लीट CMA के रिगार्डिंग क्लासेस आप प्रोवाइड करते हैं, राइट? राइट सर, छत्तीसगढ़। इसके अलावा जैसे BCom के लिए भी है या फिर ऐसा? हाँ 11th 12th से लेकर के BCom BBA MCom यहाँ तक का है। मैं जो क्लास लेता हूँ वो CMA की ही क्लास लेता हूँ, और फिर मेरे बाद फिर बाकी, और CMA की भी मैं इंटर और फाइनल की बैचेस लेता हूँ, और बाकी फिर फैकल्टीज। ओके ओके सो मतलब एक कंप्लीट पैकेज
हो सकता है जो भी छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए, राइट, कि उन्हें दिल्ली और किसी बड़े मेट्रो सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कंप्लीट। एक्चुअली ये होता है क्या है, हमारे सीएमए कम्युनिटी में एक ये भी प्रॉब्लम है कि सीएमए के सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले फैकल्टीज मार्केट में नहीं है, वो सीए वाला ही स्टडी मेट से कवर करते हैं और स्टूडेंट्स को वही रेफर करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं गैप बन जाता है। एग्जैक्टली सर। और मेरे कोचिंग में ऐसा नहीं कि सीए और सीएस के भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने कंप्लीटली इंटायरली सीएमए का ही रखा हुआ है कि पूरी तरीके से हम करा के देंगे करके। और बहुत सारे सीएमए के स्टूडेंट्स सीए के स्टडी मटेरियल्स, सीए के ऑथर्स के बुक यूज करते हैं और सीए फैकल्टीज से पढ़ाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बट सीएमए है हमारा फील्ड है, तो हमारे जैसे टीचर ही जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, जो कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनका, जैसे कॉस्ट ऑडिट वगैरह की भी बात मैं बात कर लूं, तो हमसे अच्छा नॉलेज उनको हमारे फील्ड का और कौन दे सकता है। राइट राइट राइट। सो आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर तो लगा होगा आपको कि क्या होगा, कैसे होगा, कि मतलब आपने किस तरीके से क्लाइंट्स बनाए आपने स्टार्टिंग फेज में, बिकॉज कोई बड़े जैसे क्लाइंट्स होते हैं वो ट्रस्ट एक होता है ना, वो ट्रस्ट में कहीं ना कहीं गैप होता है इनिशियल स्टेज में, तो वो आपने किस तरीके से बिल्ड किया? एग्जैक्टली जब इसमें आए, प्रैक्टिस फील्ड में आए, तो एक हमारे बड़े सीनियर सर रहे, मूर्ति सर, वो कहा करते थे, मैंने किसी के थ्रू सुना था कि शुरुआत के समय सिर्फ प्रैक्टिस करना आधा शरीर कब्र में डालने की बराबर है, कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आपका कुछ और अर्निंग का सोर्स रहना चाहिए और फैमिली सपोर्ट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो शुरुआत में हमारे जो खुद के पहचान वाले हैं, फैमिलियर हैं, वो लोग भी हमसे कुछ कराने से कतराते थे, लेकिन एक बड़ी रिस्पेक्टेड मैडम है गवर्नमेंट स्कूल की, उन्होंने हमसे स्टार्ट किया और वो तो छोटा सा ही काम था, इनकम टैक्स रिटर्न वाला, लेकिन उसके बाद फिर उनके थ्रू और भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स तक पहुंच बढ़ी। देयर आफ्टर यहाँ पे बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, तो ऐसे थोड़ा सा रेफरेंस बढ़ता गया बढ़ता गया, तो इंडिविजुअल क्लाइंट्स, फिर बीएसपी के भी अभी बहुत से मैनेजर्स कराते हैं इनकम टैक्स का काम। और उसके बाद यहाँ पे काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है और शॉप्स वगैरह, तो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो सुपेला मार्केट कहा जाता है, तो मार्केट में काफी ज्यादा लोग हैं जिनको जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो वहां से स्टार्ट हुआ जीएसटी, इनकम टैक्स, और इनके थ्रू फिर कुछ बड़े कंपनीज में गए और वहां से फिर ऑडिट, ऑडिट कॉस्ट ऑडिट, तो ऐसा करते करते धीरे से बढ़ा। अब मेरे पापा शुरुआत से कहते हैं कि कुछ भी करना है बेटा तो एक कदम आगे बढ़ाओ, दूसरा कदम बढ़ाने के लिए भगवान हमारे साथ ही है, तो बस उनकी बातों को फॉलो करके आगे बढ़े और करते करते हो गया। आना तो बड़ा डिफिकल्ट था, लोग डराते थे, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी सीएमए की पढ़ाई करने के टाइम अपनी जिद ठानी हुई थी कि नहीं, मैं करके दिखा सकता हूँ, सो एज मैंने यहाँ भी किया और उसका फायदा मिल रहा है, अभी तो अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं बाई गॉड्स ग्रेस, बाई मम्मी पापा के ब्लेसिंग से। ग्रेट ग्रेट। सो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब आपकी स्टडीज चल रही थी, आपने बताया कि आपके अटेम्प्ट्स भी लगे थे कुछ, तो आप क्या स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे जिससे उनके अटेम्प्ट्स ना लगे, हमने जैसे जो मिस्टेक किया है वो मिस्टेक वो ना करें, तो आपके सजेशंस क्या है इस रिगार्डिंग? मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये कहा करता हूँ जब वो परेशानी में आ जाते हैं, जनरली मैं 6 महीने की बात करूँ, जैसे दिसंबर के बाद से मुझको जून अटेम्प्ट में जाना है, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट जैसे मैंने की, तो पूरा का पूरा 6 महीना तो नहीं मिलता, हमको 5 महीने मिलते हैं, राइट। तो 5 महीने में 4 महीने को यदि मैं अलग कर दूं और आखिरी महीने को मैं अलग कर दूं, तो आखिरी महीने में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैंने भी फील किया था कि यार इतने दिनों तक से मैंने पूरा नहीं कर पाया, ये आखिरी महीना है, क्या मैं दूसरे अटेम्प्ट में जा सकता हूँ क्या, कि यार मुझे एक और अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा क्या। लेकिन ये मैंने खुद में भी फील किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि आखिरी महीने में, 4 महीने और आखिरी के 1 महीने, दोनों को यदि हम कंपेयर करें, तो शुरुआत के 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसमें हमारा डेडिकेशन लेवल कम रहता है कंपैरिजन टू लास्ट वाले मंथ, नंबर वन थिंग। नंबर सेकेंड थिंग कि हम लोग का
घर परिवार के काम से या अपने काम से, उस 4 महीनों तक बहुत इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन आखिरी महीने में पूरी तरीके से बैठ के डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही शुरुआत के 4 महीने में यदि एक एक सब्जेक्ट की भी मैं बात करूं, एक ग्रुप की मैं बात करूं, तो मिनिमम 1 घंटा शायद देते हैं हम लोग, लेकिन आखिरी के महीने में एक एक सब्जेक्ट को शायद 4-4 घंटे देते हैं। मतलब पूरी तरीके से 4 टाइम्स डेडिकेशन हो जाता है, 4 टाइम्स हमारा टाइम देना हो जाता है। तो वो 1 महीना भी हम पूरे 4 महीना के बराबर ला सकते हैं, और उस 1 महीना में उतना डेडिकेशन और उतने ज्यादा सुप्रीम फॉर्म में आ सकते हैं जो कि पिछले 4 महीना में हम पूरा करके भी नहीं कर पाए। तो वो 1 महीना हम लोग को पूरी तरीके से एग्जाम तक लाने का काम कर देता है। अब वो 1 महीने में भी यदि हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किए, तो आखिरी के 5-10 दिन रहते हैं, कि जनरली तो हमारा 11 जून या 10 दिसंबर को एग्जाम रहता है, तो वो 9 से 10 दिन भी फिर आपको बचाने का काम करते हैं, वहां पे दो दो सब्जेक्ट का अपन पढ़ाई करेंगे। तो और उसके बाद पहले तो 2012 सिलेबस में ये हुआ करता था, बैक टू बैक 8 डेज तक का एग्जाम होता था, अब तो एक एक दिन का गैप। यदि वो 5-10 दिन तक का भी हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो वो 1 दिन के गैप में भी कुछ हो सकता है मैजिक, और उसमें भी नहीं हो पाया तो 3 घंटे, जिस 3 घंटे में यदि हम अच्छा परफॉर्म कर दिए, तो एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी यदि 3 घंटे परफॉर्म ना करे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन किसी ने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है पर उस 3 घंटे में वो पूरी तरीके से परफॉर्म कर दे, तो वो शायद। मैंने बोला कि अभी तक आपको मतलब लाइफ में, जैसे अब तो आप ऑलरेडी काफी अच्छे चल रहे हो, बट हाँ ऐसा कभी फेज था जहाँ पे लगा कि हाँ यहाँ पे आप लैक कर रहे हो सकता है आप जो चाहते हो लाइफ में आपको अचीव ना हो, ऐसा कभी कोई फेज आया हो? वो मोमेंट तो आता ही है सर, जैसे मैंने कहा है कि यूपीएससी का करना था बट नहीं कर पाए, इसमें आ गए, तो काफी बार लगा कि कुछ गलत जा रहे हैं क्या, या मेरे को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया क्या, कम मिल रहा है क्या। लेकिन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ SRK, सो SRK ऑलवेज सेज कि जो आप कर रहे हैं तो उससे आपको प्यार करना पड़ेगा, तो वो चीज, और फिर वो आपको बहुत अच्छा करके देगी, बहुत बड़ा करके देगी। तो उस लाइन को उनका मैंने लिया, और मेरे पापा शुरुआत से रोल मॉडल रहे हैं तो उनकी बातों का मैंने ध्यान रखा। तो फिर अभी ये लगता है कि इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती जिसके लिए मैंने इतने दिनों तक मेहनत करी, और यंग एज को भी हम लोग कितने दिनों तक पढ़ाई में, क्योंकि 15-16 घंटे पढ़ाई करना एग्जाम के टाइम में, वो सब करके किया है, तो जो पाया है मेहनत से पाया है तो इसकी रिस्पेक्ट करें, तो ये हमारी रिस्पेक्ट करेगा। और करियर इज अ ग्रेट करियर, क्योंकि नाम के आगे सीएमए लगना स्टिल अ ड्रीम फॉर मैनी स्टूडेंट, राइट? होप सो कि हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन या कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि आप लोग जिस फील्ड में हैं, सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, और ये प्रोफेशनल एग्जाम ना सिर्फ आपको एक डिग्री देता है, ना सिर्फ एक आपके नाम के आगे प्रिफिक्स देता है, बल्कि काफी कुछ लाइफ का लेसन भी सिखा देता है कि यदि आप गिरे तो कैसे उठना है, यदि आपके अटेम्प्ट लगे तो आप कैसे वापस से पास होंगे। इसके साथ साथ आप ये भी सीखते हैं कि पेशेंस आपको लाइफ में कैसे रखना है, आपको कैसे मजबूत बनना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो एग्जाम देते देते फेलियर में आते हैं और उसको अपनी मंजिल मान करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स वहां से फिर से एक बार लड़ाई लड़ करके ऊपर उठता है तो उसको पता है कि मैंने सीएमए एग्जाम क्रैक करने के टाइम में ये किया था, तो अपने लाइफ के टाइम में भी लाइफ लेसन लेकर के ये आगे बढ़ सकता है उसको लेकर के। तो प्रोफेशनल एग्जाम न सिर्फ डिग्री की बात है बल्कि लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है, जो मैं अभी भी फील करता आया हूँ। और एक पावर सीए सीएमए या सीएस किसी भी प्रोफेशन में है, आप जिन लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे से इसकी पावर जानते हैं, वो एक आईडी कार्ड की, वो सीएमए जब आप मेंबर बन जाते हैं तो वो जो आपको आईडी कार्ड मिलता है उसका कितना पावर है, एक बार थोड़ा सा पता करिएगा तो आपको मोटिवेशन अपने आप में आ जाएगा। वो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर के रैंक में माने जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका पावर और नाम के आगे सीएमए लगने का पावर, इनफैक्ट आईएएस भी अपने नाम के बाद में आईएएस लगाता है और हमारे नाम के आगे सीए सीएमए या सीएस लग जाता है, तो पावर तो बहुत है, आगे क्रीम भी बहुत है, यू कैन अचीव बिगर ड्रीम, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं कुछ अपने स्पीचेस में मैंने पहले भी कहा है, सारके का डायलॉग है कभी खुशी कभी गम का, कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने दिल की सुनना, और अगर आपका दिल भी जवाब ना दे तो अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लेना, फिर देखना
हर मुश्किल आसान हो जाएगी, हर मंजिल पार कर जाओगे, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। दैट्स इट सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुनकर। होप सो कि स्टूडेंट्स भी इन सारी बातों को फॉलो करें और अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स ले। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू सर, आप सारे लोगों को इतने अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं यूट्यूब के जरिए आके, इतने लोगों की बात आप पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। बहुत लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं। मैंने आपके और भी काफी सारे वीडियोस देखे जिसमें आपने इतने सारी सक्सेस स्टोरी सुनाई। आपके जैसा गाइड होना आज की डेट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों तक एक सही बात पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रोहन सर। थैंक यू थैंक यू।